ये हमने अपने पानी के लिए बनाया हुआ था भरा, और इसमें वाटरिंग कर दी गई है। हमारी फसल हो गई है इतनी बड़ी, जो कि पहले काफ़ी छोटी थी, और इसमें दो तीन बार वाटरिंग कर दी है। ये देखिए, ये वाटर जाने के लिए बनाया था, जिससे कि हमारे खेतों में पानी लग सके। ये देखिए, जितना गीला हो रहा है वहाँ से हमारे खेतों में पानी आया था, और ये ऐसे सारे खेतों में पानी लगा है, सारे खेत में पानी लगा है। और हमारी जो फसल है, ज्वार और बाजरा, वो हो गई है रेडी कटिंग के लिए, और हम इसे दो से तीन बार काट चुके हैं। अब की बार ये थर्ड टाइम कट रही है, तीसरी बार। और ये देखिए, बिना उगाए अपने आप सेल्फ ग्रो हो गई हैं ये, और इनमें लगने वाली हैं कचरी कचरिया, और ये लग भी गई हैं। इनकी बनती है सब्ज़ी, ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी लगी हुई हैं, और इनकी सब्ज़ी बनती है, खट्टी और मीठी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी सब्ज़ी। और ये बहुत सारी लगती हैं, और ये काफ़ी लगती हैं। एक पेड़ पर एक छोटा वाला जो बास्केट होता है वो निकल के आ जाएंगी। ये देखिए, एक पेड़ पर लगभग 10-10, 15-15, 20-20 निकल जाती हैं। और ये देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं कचरिया हमारी, और इनका कलर थोड़ा हल्का सा येल्लो हो जाएगा, और ये टूट भी जाती हैं, यहाँ से पकड़ते ही टूट जाती हैं, इसका मतलब ये पक गई। लेकिन अभी इनमें टाइम है पकने के लिए। और ये देखिए, छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, अभी भी बन रही हैं छोटी छोटी सी, और ये भी बनी हुई हैं, और ये देखिए छोटे छोटे से बने हुए हैं, ये बनेंगी और सारे में बनेंगी। और इनका फ्लावर ऐसा है येल्लो कलर का, और कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं ये, ऐसी ज़मीन पर पड़ी हुई होती हैं। ये सेल्फ ग्रो किया इन्होंने, सेल्फ ग्रो। और ये काफ़ी सारी बेल है इसमें, ये देखिए कितनी सारी, ये अपने आप उग के आ गई है। और माई मदर कटिंग चारा फॉर आवर बफेलो एंड माई एनिमल्स, बफेलो एंड हिज चाइल्ड।